व्यक्तित्व से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी कि जब मैं योग की क्लास में होती थी और मैं योग पढ़ाती थी और कोई सा भी योग बहुत मतलब के स्टूडेंट ऐसे हैं कि उसको इतने ध्यान से समझते थे कि जैसे ही उनकी समझ में आता था वो एक छोटे नन्हे मासूम बच्चे की तरह किलकारी करते थे। अरे वाह मजा आ गया, ऐसा भी होता है क्या? तो जी मैं बुलाना चाहती हूँ इससे पहले, कहते हैं जोड़ियाँ आसमान में बनती है, धरती पर तो विवाह समारोह सिर्फ संपन्न होते हैं, सेलिब्रेट होते हैं। कुंडली मिलान किसे कहते हैं? हिंदू धर्म में कुंडली मिलान पर जोर क्यों दिया जाता है? विवाह की सफलता में कुंडली मिलान का क्या महत्व है? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रमोद गुप्ता जी को। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स किया है, आप द ऋषि कोऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड में एज अ सीनियर ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आपका बचपन से ही ज्योतिष में जुड़ाव कुछ छुपा छुपा हुआ सा था। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, स्पेशली ये जो आगे की बात बताने जा रही हूँ, ये जुड़ाव का नन्ना बीज अंकुरित हुआ इसी नक्षत्र मेले 2015 में, जहाँ आप श्रोता बनकर शरीक हुए थे और पीछे बैठे थे। आज 2016 में सर से जुड़कर, इस संस्थान से जुड़कर आप वक्ता बनकर आपके सामने अपना शोध पत्र लेकर आ रहे हैं प्रमोद गुप्ता जी। पहले तो सभी दोस्तों को, सभी ज्योतिष भाइयों को प्रणाम। आदरणीय गुरुजी डॉक्टर दिलीप पाल जी तथा मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, ममता मैम, हाल में उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर ममता मैडम के निमंत्रण पर जब एक वर्ष पहले इसी ज्योतिष सम्मेलन में आया था, उस वक्त मुझे यह नहीं मालूम था कि आज इस मंच के माध्यम से मैं ज्योतिष के बारे में कुछ बता पाऊँगा। यह सब कैसे हुआ इसका सारा श्रेय डॉक्टर ममता मैडम जाता है, जिन्होंने मुझे मेरा ज्योतिष के बारे में रुचि देखकर डॉक्टर दिलीप कुमार जी के सानिध्य में रहकर नवी ज्योतिष संस्थान से ज्योतिष सीखने की प्रेरणा दी। आज मैं इस बात का बहुत मुझे बहुत गर्व है कि एक मैं पारथी और ज्ञानी गुरु के सानिध्य में रहकर ज्योतिष की विद्या ग्रहण कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुंडली मिलान के विषय में कुछ बातें बताता हूँ। कुंडली मिलान किसे कहते हैं? जिसके लिए प्रत्येक माता पिता अपनी संतान के लिए, जब उसकी संतान विवाह योग्य होती है तो उनके लिए कोई रिश्ता आता है तो इधर उधर भागते हैं, पंडितों के चक्कर लगाते हैं, ज्योतिषाचार्य को ढूंढते हैं कि ये कुंडली उनकी संतान के लिए ठीक रहेगी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुंडली मिलान करने से के बाद उनकी घर में समस्याओं का निदान ना हो और समस्या बढ़ जाए। हमने अक्सर सुना होगा कि फलां की यहाँ शादी हुई है, जब से वधू घर में आई है तब से घर में लड़की की तरक्की हो गई, लड़के के घर में गाड़ी आ गई, घर में मानो धन की वर्षा सी हो गई। और कभी इसका हम विपरीत सुनते हैं, ये सब कैसे होता है? ये सब ग्रहों का खेल है। जब ग्रहों की दशा अच्छी आती है तो घर में तरक्की और धन की वर्षा होती है, और जब दशाएं खराब आती हैं तो इसका विपरीत होता है, रुख दो दुख पीड़ा इत्यादि होते हैं, इनसे हम बच ही सकते। आज मैं आपको बताता हूँ कुंडली मिलान में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है आयु मिलान। आयु मिलान करते वक्त हमें यह देखना जरूरी है कि जो रिश्ता हम देख रहे हैं वो वर या वधु का कितना योग्य है, उसमें वर या वधु की आयु कितनी है, मध्यम आयु, अल्पायु या दीर्घायु। कहीं ऐसा तो नहीं जातक की आयु अल्पायु या मध्यम आयु हो जिसके कारण उसका दाम्पत्य जीवन ही ना मिले, सुखी ना मिले। इसके अतिरिक्त यह भी देखना जरूरी है कि कुंडली में निकट भविष्य में कोई भयानक रोग दुर्घटना का योग तो नहीं है जिससे संतान का जीवन कष्टदायक हो जाए। दूसरा आता है परंपरागत मिलान। ये आमतौर पर सभी पंडित मिलाते हैं। परंपरागत मिलान में 36 गुण होते हैं जिसमें 18 गुणों का मिलान जरूरी है, परंतु यह मिलान कुल मिलान का, ध्यान से सुनिए इस बात को, ध्यान सुनिए, यह मिलान कुल मिलान का 1/4 हिस्सा ही है। इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। सभी पंडित लोग इसी पर ध्यान रखें कि 18 गुण मिल गए शादी के यहाँ कर दो, 20 मिल गए शादी के यहाँ कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गुण होते क्या हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं जिनमें एक से लेकर 8 तक क्रम से बिंदु दिए गए हैं। पहला है वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। इनका क्रमबद्ध तरीके से अंकित किया गया है और इनका योग 36 होता है।
इसको मिलान करके पुरुष का वर्ण स्त्री के वर्ण से अधिक होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, अन्यथा विचारों में समन्वय नहीं बनता। तीसरा आता है ग्रह मिलान। ग्रह मिलान करते समय हमें ये देखना जरूरी है कि कुंडली में विभिन्न तरह के शुभ योग कैसे हैं, जैसे राजयोग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी योग, ये है भी या नहीं। कहीं कुंडली में 6, 8, 12 भावों का आपस में संबंध तो नहीं बन रहा, या 2, 12 का आपस में संबंध तो नहीं बन रहा। होगा क्या, अगर 2, 12 का होगा तो जितना धन आएगा उतना ही ब्याह होगा, घर में संपत्ति का वो इकट्ठा नहीं हो पाएगी, कहीं लग्न पीड़ित तो नहीं है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव जो संतान का भाव है, और 7th हाउस जो स्पाउस का भाव है, वो भी शुभ पत्री और बलि होना अति आवश्यक है। इसके अलावा जैसा सुशील जी ने बताया कि मंगली दोष का भी विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सुनते ही लड़का मंगली है, लड़की मंगली है तो शादी के लिए हानि करते। अगर मंगली की शादी किसी दूसरे मंगली से ना करी जाए तो ही ठीक रहता है, चाहे गुण ज़्यादा मिलो। चौथा आता है दशा मिलान। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दशा मिलान। दशा मिलान करते समय हमें देखना जरूरी है कि निकट भविष्य में जातक की कौन कौन सी महत्वपूर्ण दशा आने वाली है। ऐसा तो नहीं निकट भविष्य में कोई दशा खराब है या मार्केश की है या रोग की है जिसके कारण दाम्पत्य जीवन दुख में परिवर्तित हो जाए। अक्सर होता क्या है, जब दोनों की दशा में से एक की दशा अगर अच्छी होगी पति पत्नी में से, तो जीवन की गाड़ी आसानी से चल जाएगी। अगर दोनों की दशा खराब होगी तो क्या होगा, एक की पति की नौकरी छूट जाएगी, पत्नी बीमार हो जाएगी, दोनों का गृहस्थ जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से हम टोटल योग करके सब कह के कुंडली का मिलान कर सकते हैं। और मैं अंत में ममता मैडम जी का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ज्योतिष के बारे में भी योगों के बारे में हमको सिखाया। कुंडली देखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और गुरु जी को धन्यवाद देता हूँ जो ज्योतिष की बारीकियों के बारे में हमको बहुत सहज और सरल तरीके से सिखाते हैं। और इस संस्थान में सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत ही कुशलता से कुंडली मिलान के बारे में जानकारी दी।